वेलकम टू द गेट टॉपर स्टॉक गेट 2021 रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड रिसेंटली और आप देख रहे हैं टॉपर स्टॉक मेरे साथ हैं गोविंद प्रसाद बैरवा गोविंद जी ने ऑल इंडिया रैंक 10 सिक्योर की है सिविल इंजीनियरिंग में एंड गोविंद बिलोंग टू बूंदी राजस्थान ही इज पासड आउट फ्रॉम आईआईटी आई टी सिविल इंजीनियरिंग से इन्होंने बी किया है और अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज के इंटरव्यू के लिए भी इन्होंने क्वालिफाई किया है नेक्स्ट वीक में आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज इंटरव्यू भी शेड्यूल्ड है गोविंद कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच रैंक इन टॉप टेन रियली मैटर्स स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपियर होते हैं वो कौन कौन से एरियाज हैं गोविंद जहाँ पर आपने फोकस किया और गेट में आपको स्कोरिंग लगी हो सर uh, सबसे पहले तो मैंने सारा स्टडी मटेरियल थोरोली स्टडी किया उसके बाद आ, लास्ट लास्ट ईयर भी मेरा गेट अटेम्प्ट था पर रैंक थोड़ा पीछे था तो उसकी आ, उसमें मेरे को कमी ये लगी कि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी कमजोर थी तो मैंने इस बार मेडी जी का टेस्ट सीरीज लिया और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक वाइज मिक्स सब्जेक्ट और सारे टेस्ट दिए और आ, फिर जो भी नया कंसेप्ट वाला क्वेश्चन था उनका अलग से नोट्स बनाए और जो भी मिस्टेक थी उनको अच्छे से रेक्टिफाई किया और बस तो अभी जब आप इस बार आपने गेट का क्योंकि इस बार तो रिजल्ट पहले आ गया था हाँ जी तो दोनों फोकफ रखा ई ए एस के इंटरव्यू में या फिर गेट पर सर जब तक ई इंटरव्यू का शेड्यूल नहीं आया था तब तक मैं फिफ्टी फिफ्टी लेके चल रहा था पर जब शेड्यूल आया हाँ। तो पता चला थोड़ा सा आगे होगा इंटरव्यू तो फिर में पूरा ध्यान थोड़ा सा गेट की तरफ कर लिया था और बाकी इंटरव्यू के लिए भी चल रहा था पैरेलल में बाकी ज़्यादा जान गेट पे दिया मैंने तो तो इंटरव्यू के लिए जब आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो गए हाँ जी तो ऑनलाइन क्लासेस में आपने किन किन चीज़ों पे फोकस किया सर इंटरव्यू के लिए सर मेडी जी का कोर्स ले ही रखा था इंटरव्यू गाइडेंस के लिए तो उसमें सारे लेक्चर्स देखे मैंने और मेडी जी के मॉक दिए अच्छे से तो वो रियल टाइम फील आ गया मेरे को कि चलिए उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपका अभी गेट टॉपर स्टॉक में इंटरव्यू ले रहे हैं आईईएस के रिजल्ट आने के बाद ऐसे ही आपका आईईएस का टॉपर स्टॉक हो ऐसी हमारी शुभकामनाएं है आपके साथ गोविंद माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करने निकलते हैं Yes, बीच बीच में कुछ ऐसी फेजेज़ आती हैं कि प्रिपरेशन का लेवल कम हो जाता है डाउन होता है और थोड़ा सा डिमोटिवेशन आता है yes, ऐसा आपके साथ हुआ क्या क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि सर इस बार कोविड पीरियड था घर में पढ़ाई करनी थी मोटिवेशन नहीं बन रहा था हाँ जी सर ऐसा फेजेज आते रहते स्टूडेंट लाइफ में पर आ, उनको चाहिए मीन्स मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए

और जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हाईवे इंजीनियरिंग ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं yes, तो आपने सभी सब्जेक्ट्स को थॉरली पढ़ा था या कुछ सेलेक्टिव होकर के पढ़ाई की सर सभी सब्जेक्ट को थॉरली पढ़ा था पर जो जैसे मे डी जी प्रोवाइड करता है कि ये ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उन पर मैंने स्पेशल ध्यान दिया उनके आ, मैंने इंशो किया कि उनका कोई सा भी टेस्ट मिस नहीं हो मेरे से और एकसी पर भी अच्छे से ध्यान रखा और तो वो टेलीग्राम चैनल में जो हम लोगों ने अपलोड सर वो थ्रू वो वो बहुत हेल्प किया मेरे को लास्ट के दस दिन में सर वो बहुत और इस बार तो हम लोगों ने रिविजन थ्रू क्वेश्चन तो किया ही था और साथ में आ, लास्ट मोमेंट में जो क्वेश्चन हमने डाले थे यूट्यूब में देखे आपने वो? हाँ जी सर वो बहुत हेल्पफुल थे सर दोस्तों जो गेट की प्रिपरेशन है ना उसमें बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ा मायने रखती हैं एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको पहले रिहर्सल करनी होती है आपके एग्जाम पर ही आते हैं तो आपने गोविंद कितने क्वेश्चन थे पूरा पेपर अटैम्प्ट किया या कुछ छोड़े थे आ, सर सर किया था आउट ऑफ एक ही क्वेश्चन छोड़ा था फोरनून था आफ्टरनून सेशन था सर फोरनून सेशन था ओके okay. तो जितने अटेम्प्ट किए थे उनमें से कुछ गलत हुए सर uh, 55 क्वेश्चंस वर राइट एंड 9 और तो आपके कितने मार्क्स आए फाइनली सर नॉर्मलाइज मार्क्स 86.32 86.32 और बिफोर नॉर्मलाइजेशन 82 सर 82 तो इसका मतलब स्केल अप हो गया आपका यस सर ओके और रैंक प्रेडिक्टर में क्या स्कोर आ रहा था लास्ट में

हाँ जी सर आई के बैकग्राउंड का फ़ायदा मिला सर मेरे को मीन्स वो शुरू से ही मेरे को सेकेंड थर्ड ईयर से मैं प्रिपरेशन में थोड़ा लग गया था पर फिर जैसे आ, मैं फाइनल ईयर में आया तो पता चला यूपीएससी का थोड़ा क्राइटेरिया चेंज हो गया ई के लिए तो एज एज, एज इश्यू की वजह से मैं दे नहीं पाया तो ये फिर बाद में प्रिपेयर किया और दो में लिखा तो अभी अगले वीक में इंटरव्यू होने वाला है चलो आप न्यू एक्सपेरेंट के लिए जो 2022 का एग्जाम लिखेंगे उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहते हैं हाँ जी सर उनके लिए जो गेट स्पेशली गेट के लिए जो एक्सपेरेंट है उनको एक्यूरेसी पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए उनको जितना ज़्यादा टेस्ट चीज हो सके उतना टेस्ट देने चाहिए उनको मीनस जो भी मिस्टेक्स वो कर रहे हैं उनको अलग से मेंटेन करके रखो कहीं पे नोटबुक में लिख के रखो एक गलती मेरा यही मानना है कि एक गलती दो बार नहीं होनी चाहिए एक बार कर लो कोई दिक्कत नहीं है पर एक से ज्यादा बार जो गलतियाँ करनी है एग्जाम के पहले कर लो हाँ जी एग्जाम में नहीं करनी एग्जाम में नहीं करनी टेस्ट इसलिए बार बार लिखो यस सर गुड और सर स्पीड आल्सो मैटर्स मेरे पास इतना समय था कि मैं सारे क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लिया था लास्ट में oh.

सही था बाकी अगर गेट में स्कोर करना है तो सोयल मैकेनिक्स एनवायरमेंट और हाई वे को अच्छे से करके जाओ और उनके न्यू कंसेप्ट के क्वेश्चन भी आते हैं तो और मैथ रीजनिंग में भी आपने पूरा फोकस किया सर मैथ रीजनिंग का तो एक बार आ, ये क्लासेस देख लिए मैंने मेडी जी के वो सभी सेंट था सर चलो तो इनका जो अपना एक्सपीरियंस था वो बड़ा एक्सक्लूसिव है मतलब खास करके इन्होंने दो चीज़ें बताई कि एक तो स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट बहुत अच्छे से देखो टेस्ट सीरीज से आप अपनी वीकनेसेस पकड़ सकते हैं ये सही कहा जाता है कि गेट इज़ द गेट वे फॉर इंजीनियर्स क्योंकि गेट में अगर अच्छी रैंक आ गई तो आपकी बहुत सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं आप पब्लिक सेक्टर्स की तरफ भी अपना माइंड रख सकते हैं एम में जा सकते हैं एम प्लस पी में ओपन कोर्सेज में जा सकते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं और गेट का जो रैंक है ये आपका एक बेंचमार्क बन जाता है और लाइफ में आप अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरी टेक्निकल नॉलेज कहाँ पर है तो दोस्तों अगर गेट से रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो मेडीजी इज़ ए प्लेटफॉर्म आप ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन कोर्सेज जो भी आपको सहयोग की ज़रूरत है वी आर ईगर टू हेल्प यू गाइड यू सपोर्ट यू कोई ज़रूरी नहीं कि आप पेड कोर्सेज लें मे जी के ऐप में कुछ फ्री कोर्सेज भी होते हैं जैसे लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने एड ऑन टॉपिक्स के कोर्सेज भी हम लोग लेकर के आए थे टेस्ट सीरीज आप लिख सकते हो तो जो भी आपको जैसे रिक्वायरमेंट्स हैं यू कैन टेक द गाइडेंस फ्रॉम अस और अगर आप भी अगर गेट के टॉप रैंकर हैं या आई के टॉप रैंकर हैं आप चाहते हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस और स्ट्रेटी दूसरे स्टूडेंट्स से शेयर करें तो मे के टॉपर स्टॉक में आपका इनविटेशन है स्टे होम स्टे सेफ जाहिर